नमस्कार, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी को मेरे चैनल संजूस होम किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं पनीर चिंगारी, जो कि बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पनीर चिंगारी बनाना शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए पनीर चिंगारी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें डाल रही हूँ ये पनीर। पनीर को बस हाथ से ऐसे तोड़ के ही डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध और इसको अब हम ग्राइंडिंग कर लेंगे। मैंने इसको पीस लिया है। अब हम गैस ऑन करके पैन में थोड़ा सा तेल गरम कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज प्याज को बारीक काट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको भून लेंगे। अब हम इसमें पनीर और दूध का मिक्सर डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हम चीनी डालेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम इसको 2 मिनट तक इसको भून लेंगे। ग्रेवी हमारी थिक होने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने पैन को साफ करके फिर से हमने गरम कर लिया है गैस पे। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और थोड़ा सा बटर डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 चम्मच तिल डालेंगे, सफेद तिल है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे अब हम इसमें पनीर को डालेंगे। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डालें। अब हम सबको मिक्स कर लेते हैं।
इसको थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं। पनीर को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अब हमारी पनीर चिंगारी बनके रेडी हो गया है। आप इसको गर्मा गर्म रोटी पराठा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।